अभ्युदय योजना के तहत संचालित होने वाले ISPCS के प्रशिक्षण सेंटर का शनिवार को मंडला जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण किया, जिसके संबंध में मंडला जयंत नालिकर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया जाना है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 15 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी से इस योजना से संचालित ISPCS की कोचिंग शुरू की जाएगी, जिसके लिए यह कोचिंग सेंटर तैयार किया गया है। मंडला ने बताया कि शासन का लक्ष्य है कि गरीब छात्रों को इस कोचिंग में स्थान देकर उनको आगे बढ़ाना, जिससे कि गरीब और प्रतिभावान छात्र आगे बढ़ सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडला आयुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, ये सज्जन है से बात कर लीजिए और ये डायरेक्टर को पोस्टर बनता है, जब भी डायरेक्टर वो पूरा लगता है, तो उसके लिए ज़्यादा तो नहीं करने दीजिए, ज़्यादा तो नहीं करने दीजिए।
देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया जाना है और इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार को 15 फरवरी को किया जाना है और 16 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट की जानी है और उसी के क्रम में हम लोग स्मार्ट क्लासेस के लिए जगह देख रहे हैं। गोरखपुर में ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि एक ये ISPCS कोचिंग सेंटर भी तैयार हो चुका है और हम प्रयास करेंगे कि इसमें भी इक्विपमेंट और फर्नीचर आके इसमें हम स्थायी रूप से व्यवस्था करें, क्योंकि निर्धन छात्रों को यहाँ पर एकोमोडेट भी कर सकते हैं हम 100 सीटें। तो उसी के क्रम में ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं और आशा करते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत हम निर्धन और मेरिटोरियस स्टूडेंट को मदद कर पाएंगे।